डॉक्टर ए मिश्रा के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप लोगों को एक होम्योपैथिक दवा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्लेमेटिस इरेक्टा। यह एक प्रकार के पौधे से बनाई जाती है। गर्मी सुजाक में कंठमाला धातु वाले रोगियों पर इसकी प्रधान क्रिया होती है। मूत्र यंत्र पर विशेष फायदा करती है। ओंघाई आना, सुजाक की बीमारी से अंडकोश का प्रदाह होना, श्वेत प्रदर अबूर्द अस्तन ग्रंथि में प्रदाह होना, इसी दशा में यह विशेष फायदा करती है। सुजाक गनोरिया में, पेशाब में श्लेष्मा जैसा म्यूकस आयाना, पेशाब रुक रुक के होना, देर तक बैठने के बाद भी पेशाब नहीं होती है। पेशाब करते समय मूत्र की जड़ से लिंग के मुंड तक अत्यधिक भयानक दर्द होती है। मरीज बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसी दशा में क्लेमेटिस 30 सुबह दोपहर शाम कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने पर मरीज को आराम मिल जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगला लक्षण, अंडकोश के प्रदाह में अचानक सुजाक का मवाज बंद होकर के या सर्दी लग करके अंडकोश का प्रदाह होना, उसमें सूजन हो जाना। अंडकोश जो है पत्थर की तरह कड़ा हो जाना। शुक्र रज्जु में दर्द होना, अधिकतर दाहिने अंडकोश में बीमारी का ज्यादा होना। ऐसी दशा में क्लेमेटिस इरेक्टा 200 पावर में सुबह शाम कुछ दिनों तक सेवन करने पर उपरोक्त संबंधी बीमारी में आराम मिल जाएगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगला लक्षण, चर्म रोग में माथे के पिछले हिस्से में, कंधों पर या गर्दन पर एक तरह का दाना निकलना, उसमें अत्यधिक खुजली होना, उससे मवाज निकल करके घाव बन जाना, मरीज परेशान हो जाता है। ऐसी दशा में क्लेमेटिस इरेक्टा 200 सुबह शाम कुछ दिनों तक सेवन करने पर मरीज को अवश्य लाभ मिलेगा और मरीज स्वस्थ हो जाएगा। अगर मेरी राय, मेरी परामर्श आप लोगों को अच्छा लगे, पसंद लगे, उपरोक्त संबंधी बीमारी में क्लेमेटिस इरेक्टा अपने नज़दीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लेकर सेवन करें, लाभ उठाएं। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अगली वीडियो तक के लिए
डॉक्टर मिश्रा जी का नमस्कार।